और अभी हम लोग जा रहे हैं सालासर बालाजी के, और आज खाटू श्याम जी भी जाएंगे हम लोग। तो आज का पूरा दिन गाड़ी और दर्शन, ये गाड़ी होने वाला है। बाकी ये सुबह सुबह का दूध पीकर आ गई और अभी एकदम से बोली, भैया प्लीज रोक दो, मेरा तो जी घबरा रहा है, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मैंने कहा चल ठीक है, रोकते हैं। अपने हिसाब से लाइए एकदम। आज मैंने पहना है सुरेश फैशन वाला जो पूरा सेट है, और सूरज ने न्यू लॉन्च वाले पहने हैं। नए लॉन्च के बाद में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम पहले बालाजी और खाटू श्याम जी जाकर ही आए, तो इस बार भी कुछ वैसा ही है। और इसी वजह से ना हमारे सब आउट ऑफ स्टॉक होता रहता है फटाफट। आउट ऑफ स्टॉक होती सबसे ज्यादा बड़ी मुस्कान पता है किसके आती है? कहाँ है तेज जी? पावड़ा पड़ रहा है बैंकर। अरे भाई वो देखा कल रात को, पता है ठंडी हो चल रही थी बहुत ज्यादा भाई। दिल्ली में आज सुबह 15 डिग्री टेम्परेचर और पूरा फॉग आया। मैं बाहर गया था ना सब्जी लेने, नाक आ गई मेरे में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, और तपती धूप में पहुंचे हैं आज हम। हाँ, तभी तो सनस्क्रीन रीअप्लाई कर रही हूँ मैं। बिना रीअप्लाई कर रहे सनस्क्रीन का कोई मतलब ही नहीं होता। जेस तू भी तो लगा ले सनस्क्रीन। दीदी के लिए एक ड्रम लाना पड़ेगा। ड्रम गाइस, धूप में प्रोटेक्शन। बहुत धूप है, बहुत तेज धूप है। उड़े जा रही है हवा में, उठ भाई दर्शन हो गए। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? वैसे मैं दर्शन हो गए अच्छे से दर्शन। तो वो तो हर बार ही हो जाता है अच्छे से दर्शन। बड़ा मजा आया दर्शन करके। अभी हम जाएंगे कुछ खाएंगे ना भाई, भूख लग रही है। अभी कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद निकलेंगे खाटू श्याम जी के लिए। लेट्स हैव लंच। सब्जी है, दो पनीर की, एक दाल, और तवा रोटी मंगानी थी लेकिन तंदूरी मिल पाई यहाँ पर। खाते हैं और अब चलते हैं जल्दी से। यहाँ हमारी नजर गई इस फ्लैट पर, यहाँ देखो कितने सारे मोर बैठे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओ भाई एक्सीडेंट हो गया यहाँ तो भयंकर। भाई ये वो हो गया सफारी, ये देख यहाँ पर से हुआ है, देख यहाँ देखिए पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। किससे हुआ है इसका एक्सीडेंट? चिकित्सा आगे चल रही है अब से। हम लोग खाटू श्याम जी मंदिर पहुँच चुके हैं और वो कुछ पूछ रही थी, हमने उसको कुछ और बता दिया। हम लोग ना रात को कहीं काम से जाएंगे, वो ये जानना चाहती है। मेरी और हितेश की मीटिंग है वहीं पे। अभी बोल रही है कि कौन से काम से जाओगे तुम बताओ। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं काम से घर में जाऊंगी। ठीक है, तो अंधेरा होने से पहले हम लोग पहुंच गए, आराम से दर्शन करेंगे अब यहाँ पर, फिर चलेंगे जयपुर। हितेश भैया को छोड़ दिया। मैं तो बता दूंगा जो बात है, पर ये मुझे मना कर रखा है इसने, कसम दे रखी है। हम लोग ना लास्ट टाइम से रोज लेट आ रहे थे ना रात को, आज सही टाइम पे आए शायद अपन। अभी कम भीड़ मिलेगी मुझे ऐसा लग रहा है। जो भैया वो देने आए थे ना, क्या बोलते कार की स्लिप, उनको बोलता है कोई वीआईपी दर्शन कराओ ना। तो बोलता है बोले किसी वीआईपी से बात करनी पड़ेगी। तो बोलते भैया वीआईपी तो हमें, बस मंदिर वालों को नहीं पता कि अपन वीआईपी है। बाकी लोग तो अभी बहुत ज्यादा थक चुके हैं, तो सिर्फ मैं और भानु जा रहे हैं भजनों में। सूरज और भानु गए हुए हैं और मैंने मीकू से बनवाई है फायर नूडल्स, जो कि थोड़ी सॉरी तो लग रही मुझे इनकी, बाकी खा के पता चलेगा। गाइस ये मेरा आपसे क्यूसंस है, क्यूसंस कि अब ये जैसी बनेगी वैसी तो बनेगी। अब जैसी मैंने इसको बोला था कि इसमें मिर्ची कम डालना, इससे ज्यादा डाल दी। पता क्या, ये जो हमने नारियल लिया था वैसे नहीं लग रहा। नारियल हो सकता है, नारियल चाइनीज लोग भी नारियल खाते हैं। खा जरा, तेरा कहने का मतलब है जो तूने भर के मिर्ची डाल दी। भर के नहीं डाली जाती थी उसमें, मैंने सारी डाल दी। तू कह रही हूँ मैंने कम बोली थी। खा, इट्स गुड बट देन इट्स spicy. खाने में आज है सोया चंकन राइस और छाछ। हेलो गाइस, व्हाट इज द प्लान? मौसम देखो यार, ये क्या नाटक है, मुझे काम करना होता है वैसे इस मौसम को, पता नहीं क्या हो जाता लेकिन है। लेकिन चलिए अच्छी बात भी है कि परेशान नहीं होंगे धूप में, लेकिन बुरी बात यह कि लाइट जल्दी चली जाएगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फटाफट हम निकलते हैं यहाँ से। चलो इसमें अपने बाल तो रेडी नहीं हुई पूरी तरीके से यार, मेकअप में टाइम लग गया। पहले एक बार किया तो अच्छा नहीं हुआ, फिर मैंने उसको निकाल दिया। मतलब पता नहीं क्या हो रहा था। पहले क्या तूने मुझसे लड़के करा था ना? हाँ मैं ही तो लड़ती हूँ। अरे देखो गाइस, कुछ भी हो चल चल निकल, चल तू निकल। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारी फ्लाइट्स बुक हो चुकी है, होटल बुक हो चुके हैं। 12 तारीख को हम लोग आ रहे हैं भुवनेश्वर। हम लोग यार फ्लाइट्स बहुत मुश्किल से मिली, मतलब बहुत ही लंबी फ्लाइट्स थी यार। पहले हम लोग दिन में पहुंचने वाले थे, हमने सोचा था कि पहले दिन से ही घूमना शुरू कर देंगे भुवनेश्वर। यार इसको मेरे को और थोड़ा सा और अच्छा करना कैसे, कार्टून सी लग रही है। नहीं
कम बोल, वो यार ब्लश थोड़ा ज्यादा हो गया मैंने इसमें ना, मुझे मुझे डिस्टर्ब मत करे, मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ सारी चीजें ना, मीटअप करना है अपन को। हाँ तो 12 को हम लोग पहले सोच रहे थे भुवनेश्वर घूमेंगे, लेकिन अब शाम तक पहुँच पाएंगे हम लोग, रात तक, हाँ मतलब रात तक पहुँच पाएंगे। तो कोई ना, फ्राइडे को हम लोग आ रहे हैं, सैटरडे भुवनेश्वर घूमेंगे, संडे पूरी घूमेंगे, और उसके बाद मंडे को हम चले जाएंगे वापस से यहाँ जयपुर। तो 2 दिन ही हम वहाँ पर, तो व्लॉग्स आ जाएंगे वहाँ के। और मिलने के लिए हम लोग सोच रहे थे कि जगन्नाथपुरी टेम्पल के पास में जो बीच है वहाँ पर, गोल्डन बीच है शायद ना, गोल्डन बीच है वहाँ पर मिलने का सोच रहे थे। तो अब आप लोग बताइए कि वहाँ मिलना सही रहेगा क्या, ताकि यार मैं नहीं चाहती कि कहीं पर भी अपन लोग किसी को डिस्टर्ब करें, कहीं पर भी कोई और अपनी वजह से परेशान हो, किसी भी तरीके से कोई और परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ इसलिए, तो बीच ऐसी जगह है कि जहाँ पर बहुत स्पेस होती है तो वहाँ मिल सकते हैं। तो ये मेरा एक सजेशन था, मतलब एक क्वेश्चन था आपसे कि वहाँ मिल सकते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए। और बीच पे भी कोई अगर पर्टिकुलर कोई पॉइंट हो वो बता दीजिए, ताकि मैं सबको इन्फॉर्म कर दूं कि वहाँ पर मिलेंगे। क्यों मेरे को डी गाइस, मैं तो रेडी हूं बिल्कुल। अच्छा अभी हम लोग जा रहे हैं आमिर फोर्ट, वहाँ पर यशी शूट करने वाली है, और हम लोग थोड़ा सा आमिर फोर्ट घुमाएंगे आपको। जयपुर में होते हुए हम आमिर फोर्ट नहीं गए थे, हाँ। क्योंकि सीनियर ऊपर चढ़ना पड़ता है भाई, धूप में बहुत ऊपर। लेकिन आज तो क्या है, यशी ने हिम्मत कर ली है, तो फिर सबने हिम्मत कर ली, तो अभी जा रहे हैं वहीं पर। आर ऑल सेट, हमने थोड़े से कपड़े बैग वगैरह में भी ले लिए हैं, ताकि वहाँ पर अगर एक्स्ट्रा शूट करने का टाइम मिल गया तो हम लोग और शूट कर लेंगे। अच्छा पता है वहाँ पर जाकर ना स्लिप कटवानी होती है शूट करने के लिए, वैसे अलाउड नहीं है कैमरा से शूट। जयपुर में एक चीज है, आप जहाँ भी ट्राइपॉड रख दिए या कैमरा आपने दिखा दिया, लिफ्ट गई फाइन लग जाता है। मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ था, मैं अपने एक वीडियो बनाने गया था पहली बार वहाँ पे, मैंने ट्राइपॉड रखा, उधर से कैमरा देखा, उधर से पुलिस मेरा ट्राइपॉड उठा के ले गई। फिर मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके, उस टाइम तो पैसे नहीं थे, उस टाइम तो पैसे बहुत कम थे, मैंने रिक्वेस्ट करके उनको थोड़े से पैसे दिए, फिर मुझे छोड़ा उन्होंने। कैमरा अलाउड नहीं है, अपन तो परमिशन लेंगे ना, स्लिप कटवाएंगे अपन तो। क्या सीन हुआ था कि जितने का ट्राइपॉड था उससे ज्यादा वहाँ पे फीस लग रही थी, तो मैंने ये सोचा था, मैंने कहा अगर इतनी फीस में ये अगर थोड़े कम में नहीं मानते हैं तो ट्राइपॉड दे दूंगा उनको, नया मंगा लूंगा। ये रहे टीबू भैया, आपको दिख रहे होंगे धुंधले धुंधले, अभी ये पास आते आते आपको कम धुंधले और थोड़े ज्यादा मोटे लगेंगे। देखो यार क्या हो गया टीबू, आपसे गेट नहीं खुल रहा। गाइस तो हमारे टीबू भैया आ चुके हैं, हम आमिर तो पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी, और यहाँ ऊपर जाने के लिए हम लोग ये जीप ले रहे हैं। तो 5 जनों के 500 रुपए लगेंगे, इससे ऊपर पहुंचा देंगे हमारे को, क्योंकि पैदल चलने की इस धूप में तो हिम्मत नहीं है, ना ही हम खुद को थकाना चाहते हैं। चलो गाइस बैठो 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 बैठो, हम बैक साइड से ऊपर पहुंच चुके हैं 5 मिनट के अंदर, अभी चलते हैं अंदर। पैदल आते हैं तो वहां से एंट्री होती है, अभी यहां से आ गए अंदर। अभी इस साइड से टिकट लेना होता है, यहां पर है महल जहां पर एंट्री होती है, और यहां मंदिर है, इस जगह से यहां से मंदिर का रास्ता है माता की, यहां पर ही महल अंदर। तो आज हम लोग महल जाने वाले हैं, हम लोगों ने एंट्री ले ली है, और कुछ इस तरीके का दिखता है आमिर फोर्ट। अभी यहां से हम अंदर जाएंगे, लेकिन पहले यहां पे बहुत सारी लोकेशन है शूट कराने की, बाहर भी बहुत सुंदर जगह है ये, तो अभी घूमते हैं देखें कितने टाइम में घूम पाते हैं। करें शूट स्टार्ट, पहले कहाँ से शुरू करेगा इन लोकेशंस को, बीच में बस ये सीन होता है शूट्स के अंदर, पीछे ऑडियंस दिखती है बहुत ज्यादा ना, मतलब लोग बाग दिखते हैं यार, क्योंकि भीड़ बहुत होती है ना। जैसे व्यू देखते हैं जयपुर का, जयपुर का बैक साइड दिखता है, वैसे तो फ्रंट साइड उस साइड है, उस साइड से भी दिखाऊंगा मैं व्यू, एक बार यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पर से पहाड़ वाला व्यू दिखेगा आपको। वैसे अगर आमिर फोर्ट आओ तो बस धूप में बताना, वरना बहुत तप जाओगे, जयपुर की धूप का तो आपको पता ही है। अभी पहले मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो जगह है सामने वाली, इस पर पहले मैं हर संडे आके ना ऊपर ट्रेनिंग करने जाता था, मतलब हम लोग का टारगेट रहता था कि नीचे से भागते हुए जाना है ऊपर तक चढ़ना है, और इस जगह पे जाके बैठते थे और रेस्ट लेते थे, और यहाँ पर हम लोग चीट मील खाते थे। और ये रहा ब्यूटीफुल सा व्यू, वेदर और अच्छा होता बादल वाला तो और मज़ेदार लगता है व्यू। लोग तो देखो यहाँ पर शूट कर रहे हैं, ये रहे ये लोग, और मुझे बैठा दिया यहाँ पे रखवाली करने के लिए इन बैग्स की, अब इनका शूट यहाँ पर खत्म होगा, उसके बाद अंदर जा पाएंगे हम लोग। मेकुडीज भी बोर हो गई बैठे बैठे हैं यार, बहुत टाइम लगाती यार ये शूट करने में, एक भी नहीं हुआ अभी, 3 करना है। यशी 3 आउटफिट लेकर आई है, 3 का शूट करना है उसको, अभी एक भी नहीं हुआ है, और एक तो बादलों वाला मौसम है तो धूप भी बहुत जल्दी चली गई है। अब दुख पता है कब होगा कि 5,000 रुपए भी लग गए और शूट भी नहीं हुआ पूरा। हाँ मेन तो वो रात तक किच किच चलेगी, लेकिन टाइम बहुत ले लिया पता है तूने यार, सूरज हम लोग कर ले रहे हैं, कोई पीछे आ जाए फिर हमें वापस लेना पड़ रहा है, तो इसलिए होगा। थोड़ा सा जल्दी कर ले, 2 ड्रेस और हैं, क्योंकि नहीं मैं एक ही ड्रेस करूंगी, अब एक का तो मैं इंडोर कर लूंगी, ढंग से हो नहीं पाएगा। लो दोस्तों बारिश आ चुकी है, हो गया शूट। देखो मेरे दोस्तों अंदर आते ही कुछ ये व्यू है, सामने शीश महल है जिसमें अंदर एंट्री बैन है, अंदर नहीं जा सकते, बाहर से देख सकते हैं, अभी उधर चल के दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। और यहाँ बीच बना हुआ है गार्डन, यशी कर रही है यहाँ पर शूट, बारिश आ रही है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बस यार मैं चाहता हूँ एक और ड्रेस का शूट हो जाए, कम से कम 5,000 रुपए दुखे नहीं। अच्छा ये लोकेशन है सुख मंदिर,
अभी देखता हूँ यहाँ से कितना दिख पाता है। तो यहाँ से बाहर से कुछ ज्यादा कुछ देख नहीं सकते इसमें अंदर, बट उधर लिखा हुआ था कि इसको गर्मियों के लिए यूज में लिया जाता था। सब बंद है फिलहाल तो यहाँ पर, ज्यादा भीड़ वैसे आपको देखने को वहाँ मिलेगी क्योंकि बहुत सुंदर है। और अभी का वेदर और ये व्यू देखो आपको कितना प्यारा लग रहा होगा, इतना प्यारा लग रहा है ना। तो ये शूट करेगी तो शायद ये मैं घूम नहीं पाऊंगा, तो मैं तो जा रहा हूँ घूमने। बाय बाय, चलो यार एक जना चलो मेरे साथ, चलते हैं। अपन तो थोड़ा सा व्लॉग तो बना के आए, देख के आए, घूम के आए, थोड़ा सा सामान का ध्यान रखना गाइस। चलो दोस्तों शीश महल देखते हैं, शीशे का बना हुआ महल इसलिए इसको शीश महल कहा जाता है। और ये सच में बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है ये, और अंदर से तो और भी ज्यादा सुंदर है। देखो कितना देख पाते हैं उतना मैं दिखाता हूँ आपको। ये है अंदर से, इसमें छोटे 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 कांच लगे हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर एक दिया जलाओगे ना तो पूरे में चमकता है ये। ऊपर चले गया, यहाँ ऊपर चलते हैं ना, सारी भीड़ यहाँ ऊपर ही है। इस साइड भी जा सकते हैं, अभी तो अंदर भी बहुत सारा है, बड़ा है काफी, बहुत बड़ा है यार। अरे मैं नहीं चाहता, क्या पता एसी को जरूरत पड़े अपनी, तो यार उधर का उसको जरूरत पड़े इसलिए मैं जा रहा। बिना गाइड के अपन नहीं घूम सकते इसको पूरा। हाँ नहीं घूम सकते, और इस जगह के बारे में बताता भी गाइड ही एक्चुअल में सारी चीजें। भाई बारिश आ रही है, अभी हम घूम नहीं सकते हैं कुछ भी। सुबह सुंदर लग रहा है यहाँ से खड़े खड़े देख रहे हैं मजे से, हम इस जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। टूट तो हो गया, बस ये बारिश बंद हो तो थोड़ा घूम सकते हैं, नहीं तो फिर इसका भी क्लोज होने का टाइम हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बहुत अच्छे शूट हो गए, अच्छा काम होता है, अंदर से खुशी होती है, खुशी। तो फिलहाल गार्ड्स ने बाहर निकाल दिया है क्योंकि टाइम हो चुका है इसके बंद होने का, अंदर नहीं जा सकते, वो ऊपर वगैरह अंदर नहीं घूम सकते। यहाँ बाहर वाली लोकेशन पे शूट फिर भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ जहाँ पर स्टार्टिंग में किया था। यहाँ पे इतनी प्री वेडिंग हो रही है, इनफैक्ट अभी हम लोग आ रहे थे ना तो एक भैया ने भी बोले आप प्री वेडिंग के लिए आए हो, मैं अकेली आई हूँ, अकेली कर रही है। थोड़ा सा जल्दी आ जाते ना इसी, अपन आधा पौन घंटा और तो अच्छे से घूम पाते, आज घूम ही नहीं पाए, इसका शूट कम्प्लीट करने में पूरा टाइम निकल गया, मैं इधर उधर जा नहीं पाया, सामान का ध्यान रखना था इसलिए। बट हमने बहुत ही अच्छा, लेकिन शूट बहुत अच्छा कर रहा, देखो इतना प्यारा मौसम हो रहा है, परेशान नहीं हुए, अच्छा हुआ, मजा आ गया। बस थोड़ा सा जल्दी आता है, हल्का सा और जल्दी तो काम हो जाता है। यस, और कितना और लेट भी इसकी वजह से हुए हैं। हाँ। मस्त माहौल बना रखा है यार, सुंदर है ना अभी। हाँ, तो मुझे आमिर में हूँ, क्या मस्त मौसम हो रहा है। अंकल को लिया डेट पे। और भाई यहाँ तो बिजली कड़क रही है, बहुत तेज बारिश आने वाली, चले क्या अपन लोग, कैमरा वगैरह गीले हो जाएंगे, चलते हैं यार अब। यार। चलो चलो चलो, तो देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, और बारिश पीछे। दोस्तों बारिश बहुत तेज हो गई है, अब सही टाइम पे शूट खत्म कर लिया अपन लोगों ने दोस्तों। ओहो अगस्त, हल्की सी बारिश धीरे हुई है और हम लोग निकल रहे हैं अब, जल्दी से गाड़ी में लेके बैठ जाना हम लोग को। हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास, बारिश आ रही है, अभी चलते हैं घर। एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से ऑफिस का टाइमिंग, धमाधम जाम, भयंकर जाम, और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। देखो दोस्तों ऑंडीज, आज क्या बना रहे हो आप? आलू पराठा। अच्छा वैसे गाइस हमारे आंटी ना असम से गुवाहाटी से, क्या टेस्टी बनाया मसाला, हम लोगों ने क्या आलू का मसाला बना था, उसके दो चार सैंडविच भी बना के खा लिए, बहुत टेस्टी बनाए। शर्ट मस्त लग रहा, कहाँ से लिया आपने? कहाँ से लेते बताओ तो सही, कहाँ से लिया आप? आप बताओ, आपके मुँह से बताओ। तो मैं तो एक ही जगह से लेता हूँ। कहाँ से? वही अपने सुयश वाला। सुयश वाला, ये सुयश वाला यहाँ से पहन लेते। ये सुयश वाला स्टैंड है, यहाँ से पहन लेते अंकल। सही है अंकल, एकदम सही है, मेरे को खरीदने की कहाँ जरूरत है। एक साइज हम एक्स्ट्रा बड़ा रखते हैं ताकि अंकल का पेट भी वो नहीं हो, ठसे नहीं। अरे तो पेट को मैं वैसे ही कम करने में लग रहा हूँ, ये देखो मेरा हो गया कम, इनका नहीं हुआ, कम करने में लग रहा हूँ। क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज करता हूँ सुबह। क्या करते हो एक्सरसाइज? दंड बेलता हूँ। हाँ सही है सही है। हाँ अल्ले, तू तो तेरे रसोई में लगी रहती है, मैं अंदर स्टोर में यही काम करता हूँ। स्टोर में एक्सरसाइज कहाँ कर रहे हैं? स्टोर में भाई, ये देखो जहाँ जगह होगी वहीं करेंगे, कोई देखता नहीं वहाँ पे। अच्छा आप कर लेता हूँ मैं। सही है, क्यों नहीं कर सकते यार? कैसे नहीं है यार, इतनी जगह तो है कि मैं आराम से दंड बैठा कर सकता हूँ। ये बात बताना, करके करके बताना अंकल। अरे यार ये वाली करो, देख भाई हंसी मत उड़ा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तू मेरी हंसी उड़ा ले। हाँ देख ये यूं किया। हाँ क्यों? भाई साहब अपने से लगते, और भाई साहब ये तो बैंकर है, नहीं कर सकता यार। मुझसे नहीं लगते, इससे भी नहीं लगते, किसी से लगते। मैं तो कर लेता हूँ, मानुष ही नहीं लगते तो। अंकल चैलेंज कर लो आप दोनों। अरे यार इतने ये कहाँ जवान आ रहे, मैं कहाँ बुढ़ा आ रहा हूँ। कैसे करा आपने? कैसे करा? अरे ये आज ही करा है, कोई स्टार स्टार में नहीं करते। अरे कर लो बात। अरे यार एक बार बता, एक्सरसाइज मैंने इतने दिन कहा तेरे को, मैं एक्सरसाइज करना ही नहीं कहा ना, आज ही कहा ना मैंने, दो चार दिन से कर रहा हूँ। मैं तो नहीं देखती, मैं कहाँ से ले जाती हूँ।
ये मत करो, कितनी करते हो ये? देख बेटा अभी स्टार्टिंग है, 10-12-15 स्टार्टिंग में 10-15 मिनट लग रही है इनके आराम से पहले दिन से ही। ज्वाइन कर लो अंकल, आप गलत फील्ड में आ गए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए। और यार है वही बाइसेप है भाई, कितनी भी बॉडी बना लो खौफ उधर ही है।